हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लेकर आ गई हूँ। कितने बनाने वाली हूँ मुझे आइडिया नहीं है, मैं बताते जाऊँगी फिर आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो के एंड तक कि कितने हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात कि इतने छोटे बालों में बता रही हूँ, एंड ये जो हेयर स्टाइल है आप इंडियन वेयर के साथ बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और हम माइक की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम आपका साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने माइक लिया है। ये मैंने K8 का है एंड ये मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने इसको लिया है। ये मुझे 700 में पड़ा था। बिग बिलियन डेज चल रहे हैं तो अभी ऑफर में है, तो आपको और सस्ता पड़ सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले लीजिएगा। ये सी टाइप के लिए दिया गया है एंड इसकी साउंड क्वालिटी आप वीडियो में सुन रहे होंगे कैसी है, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और ये सी टाइप में ही यूज होगा। जिसका भी बी टाइप है वो फ़ोन में यूज करने के लिए मैंने लिया है, तो ये मैंने मंगाया था। आप इसको अच्छे से देख लो एंड आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ। मैंने साड़ी डाली हुई है तो साड़ी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आप इसके साथ ईयरिंग्स वगैरह ज़रूर पहनिएगा। इस तरीके से हेयर को लूँगी मैं साइड से और यहाँ से मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी हेयर स्टाइल को। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। मेरे चैनल पे आपको सेल्फ और इजी हेयर स्टाइल्स की वीडियोज मिल जाएंगी बहुत सारी। तो इस तरीके से सिंपल सी चोटी एक बना रही हूँ मैं। ओके, चोटी को आप थोड़ा थोड़ा सा खींच के वॉल्यूम दिखा सकते हो इसमें कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इस तरीके से। देन जितना लंबा आपको गूंथना है उसके अकॉर्डिंग आप गूंथ लीजिएगा चोटी को। बस मुझे सेंटर में इसको सेट करना है तो मैं इतना ही गूंथ रही हूँ। क्लियर दिख रहा होगा गाइज। अब आपको बॉबी क्लिप की मदद से इसको सेंटर में सिक्योर कर देना है। ओके, तो एक साइड से इस तरीके का लुक आएगा, सेकेंड साइड भी आपको इसी तरीके से बनाना है। थ्री लेयर में डिवाइड करके हेयर को जितने जो सिंपल वाली चोटी हम लोग बनाते हैं बस वही बनाना है आपको भी। इस तरीके से गुथते जाएंगे चोटी को, इतना गुथेंगे जितना कि हमारे सेंटर तक चला जाए बाल। तो ये हमारे जहाँ पे हमने क्लिप पहले लगाई थी वहाँ तक आ गए आराम से। अब यहाँ पे आपको एक और क्लिप लगा देना है जस्ट उसी क्लिप के ऊपर क्रॉस करके। तो ये है, बहुत इजी है, स्टाइलिश भी लगता है एंड बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप। फ्रंट में आपके फेस पे हेयर नहीं आता है और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा और फ्रंट से ये ऐसे दिखेगा बिल्कुल सिंपल। लेयर्स आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। अब इसके साथ अगर आपको सेकेंड हेयर स्टाइल में अगर ओपन बाल नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, सिंपली सारे बालों को एक अच्छे से इस तरीके से कॉम कर लेंगे। देन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो हमने चोटी बनाई थी उसके नीचे से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और जो हमारा एक सिंगल पार्ट है उसको इसके नीचे से खींच लेंगे। ओके, अगेन ये वाला जो साइड है उसको भी उठाएंगे और जो हमने चोटी बनाई थी उसके नीचे से फिंगर को इंसर्ट करेंगे और इसको खींच लेंगे इस तरीके से। ओके, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको नॉट लगा देना है, यानी कि गांठ लगा देनी है और यूपिन या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देना है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको हेयर स्टाइल रखना है तो आप बॉबी क्लिप लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो खुलेगा नहीं और लंबे टाइम तक टिका रहेगा। तो ये देखा आपने कितना प्यारा है और बहुत इजी तरीके से बन जा रहा है। सबसे अच्छी बात कि बहुत आसानी से बना लोगे आप। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया और काफ़ी इजी है एंड काफ़ी स्टाइलिश लगता है। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो अगर लेयर्स वगैरह में कटे हैं तो आप यूपिन की मदद से अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा। तो ये हमारा वन हेयर स्टाइल हो गया और साड़ी पे बेस्ट लगेगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर खींच दे रही ताकि क्राउन एरिया का जो हेयर है
वो फ्लैट ना लगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। आई होप कि अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इजी है, तो आप कोई भी बना सकते हो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए पहले इस हेयर को ओपन कर लेती हूँ। थर्ड हेयर स्टाइल में हम लोग इस तरीके से अपना ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे और इस साइड के हेयर को छोड़ देंगे ऐसे, और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से हेयर को छोड़ देंगे। एंड जो भी हेयर बचे हुए हैं उनको कॉम करेंगे अच्छे से। पूरा एंड तक आपने देखा मैंने छोड़ा हुआ है हेयर को दोनों साइड पे इस तरीके से। अब इनको कॉम कर लेंगे बालों को। ओके अच्छे से इसको कॉम करके सेंटर के सारे हेयर को लेंगे और एक रबड़ बैंड लगा देंगे। मैं यहाँ पे रेड रबड़ बैंड यूज कर रही हूँ, आप ब्लैक यूज कीजिएगा अगर आपके बाल ब्लैक हैं तो। और ब्लैक हेयर अच्छे ब्लैक रबड़ बैंड अच्छे से कवर हो जाते हैं। वाह, अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका हेयर है इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, और एक क्लचर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ओके, अब इसको अगेन नीचे की तरफ सारे हेयर को इस तरीके से फैला लेंगे। काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में मेरे हेयर कटे हुए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि लेयर्स दिखे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अगर लेयर्स में कटे हैं तो भी आपका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगने वाला है, डोंट वरी। इस तरीके से करने के बाद से आपको एक्स्ट्रा हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है, कहीं से दिखाई ना दे। अब आपको एक यूपिन लेना है या फिर आप जो आपका क्लचर है उसके अंदर ही इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा हेयर। उसके बाद आपको ये साइड का जो हेयर दिख रहा है इन पे पतला पतला सा लेयर लेना है और ट्विस्ट करते जाना है, बिल्कुल पतला पतला। जितना पतला लोगे उतना ही अच्छा दिखेगा ये हेयर स्टाइल। इस तरीके से करते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है। होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। अब एंड तक जितना भी हेयर था आपका उसको आपको ले लेना है। अब एंड में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे, और इसको सिंपली ट्विस्ट कर देंगे आपस में। ट्विस्ट करने के बाद से आपको जो आपका बन है उसके ऊपर से इसको लेके जाना है इस तरीके से, और नीचे की तरफ लेके आएंगे। एंड यहाँ पे आपको सिंपल वाला यूपिन यूज नहीं करना है, बॉबी क्लिप्स यूज करना है, क्योंकि ये जो लेयर है काफ़ी पतला है जिसकी वजह से ये निकल सकता है। तो बॉबी क्लिप लगा दोगे तो वो नहीं निकलेगा। ओके, तो इस तरीके का लुक आएगा। अगर आपको लूज फील हो रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके से पकड़ोगे एंड एक बॉबी क्लिप यहाँ पे अगेन लगाओगे। लेकिन बॉबी क्लिप लगाने का तरीका देखो, ट्विस्टिंग को वो नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना, इस तरीके से लगाओगे जिससे जो आपकी ट्विस्टिंग है वो टाइट भी हो जाए और क्लिप आपकी दिखे नहीं। ओके, तो चलिए सेकंड साइड भी करते हैं। अब सेकंड साइड के लिए भी इस तरीके से पतला पतला लेयर्स लेना है। बिल्कुल पतला पतला लेयर लेना है एंड ट्विस्ट करते जाना है। जैसे हमने इस साइड बनाया था सेम उसी तरीके से। सॉरी, कॉल आ गया था थोड़ा। इस तरीके से पूरा पीछे तक ट्विस्ट करते जाएंगे।
ओके, ट्विस्ट करने के बाद से इसको अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसको इस तरीके से आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे टू लेयर्स में करके। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। अब इसको भी आपको ऊपर की तरफ से लेके आना है और दूसरी साइड ले जाके बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर करना है ताकि ये निकले नहीं। ओके, ये जूड़ा का जो लेयर्स है वो निकल रहा है तो उसके लिए मैं एक दो यूपिन और लगा दूंगी। तो ये हेयर स्टाइल हमारा कुछ इस तरीके के दिखेगा एंड दूसरी साइड भी आपका जो ये ट्विस्टिंग है वो लूज पड़ रहा है तो आपको सिंपली बॉबी क्लिप्स लेनी है, इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना है और इस तरीके से लगा देना है। तो काफ़ी अच्छा सा अट्रैक्टिव सा हमारा हेयर स्टाइल बन के यहाँ पे रेडी हो गया है जो कि साड़ी पे बेस्ट लगेगा। और भी बहुत सारी हेयर स्टाइल मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं ऑल टाइप ड्रेस एंड फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग। वाओ, तो ये था आज के लिए तीन बहुत ही खूबसूरत से हेयर स्टाइल। लूज पड़ रहा है तो मैं इसको दोबारा से लगा रही हूँ क्लिप को। ओके, अभी पूरा अच्छे से टाइट हो गया है और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी और कौन सी हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके साथ आप बड़ी बड़ी झुमके या इयररिंग्स कुछ ट्राई कीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप फेस्टिव में या फिर कोई ओकेजन है, पार्टी है, तो आप बना रहे हो अगर ये हेयर स्टाइल तो कैसा लगा आपका आज का ये तीन हेयर स्टाइल जो कि साड़ी पे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। बाकी आप और भी कोई इंडियन वेयर पहन रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये वाला जो माइक है अगर लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, ब्लॉग एंड यूट्यूब के लिए काफ़ी बेस्ट है। एंड इसका जो वॉइस क्वालिटी इन्होंने बताया है कि 20 फीट दूर से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात की वायरलेस है तो आपको इधर उधर जाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सेकेंड चैनल पर जरूर जाइएगा, सेकेंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है। वहाँ पर मैं अपने ड्रेस डिजाइनिंग से अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आते रहती हूँ।